जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज विभिन्न उचित दर राशन विक्रय दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने शासन की मनसा अनुरूप प्रत्येक कार्ड धारक को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी आज पूर्वाहन सदर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत दानोपुर के उचित दर राशन वितरण दुकान पहुंचे। मौके पर राशन वितरण होता हुआ मिला। कोटेदार रुदल यादव ने बताया कि उसके केंद्र द्वारा 102 अंत्योदय तथा 260 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को राशन का वितरण किया जाता है। दुकान पर सीसीटीवी कैमरा, बैठने के लिए समुचित व्यवस्था न होने, फर्स्ट एड किट का अभाव मिलने, जिसे डीएम ने दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। दुकान पर अंगूठा लगाने की मशीन, आइरिस स्कैन आदि उपलब्ध मिले। डीएसओ संजय पांडे ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि यदि किसी वजह से मशीन किसी व्यक्ति का अंगूठा रीड नहीं कर पाती है तो उसकी आंखों की आइरिस को स्कैन करके राशन उपलब्ध कराया जाता है। यदि आंखों में भी दिक्कत है तो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाता है। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद लोगों से संवाद कर राशन मिलने के संबंध में जानकारी ली। तो वहीं एसडीएम भाटपा रानी संजीव उपाध्याय ने बताया कि आज जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर ग्राम परसिया छितनी सिंह ब्लॉक बनकटा में उचित दर राशन विक्रय दुकान की जांच की गई। ग्रामीणों द्वारा 4 महीने से गेहूं ना देने की शिकायत की थी और 2 महीने से राशन ना देने की शिकायत प्राप्त हुई थी। आज स्टॉक की जांच की गई है। मौके पर स्टॉक कम पाया गया। प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि हुई है और कोटेदार प्रेमचंद्र गुप्ता के विरुद्ध 3/7 में मुकदमा पंजीकृत करते हुए गबन की गई राशि की वसूली की जाएगी। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। जो कार्ड होल्डर उनको लगता है और नेशनल कार्ड एम्पिटेंस दिया किसी को कोई सर नहीं आता एक कार्ड है यहाँ आदमी बाहर तो बहुत जाता है। अच्छा आपका कार्ड वाला कोई मतलब गुजरात से कहीं से लेगा तो आपके पास आएगा कोई इंडिकेटर आएगा लेकिन अगर वो यहाँ आएगा अंगूठा लगाने का तब वो रिफ्यूज कर देगा।